दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि मेडिटेशन के क्या फायदे होते हैं, और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन करने का सही तरीका। दोस्तों, आप म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं ओम या ओम नमः शिवाय के साथ। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक के साथ आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा बिना कुछ और सोचे, या फिर आप बिना म्यूजिक के खुद से इस मंत्र का उच्चारण करके मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हैं तो बाहर की कोई आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके कानों में सिर्फ वही एक ही ध्वनि जाएगी। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, आप कोशिश करिए मेडिटेशन मॉर्निंग में एकांत में बैठकर करिए, जहां पर कोई आए जाए ना और डिस्टर्ब ना करे। और दोस्तों, मेडिटेशन जल्दबाजी में मत करिए, नहीं तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ऐसा ना हो कि आप मेडिटेशन करने बैठो और माइंड में कुछ और चल रहा हो। मेडिटेशन हमेशा आंख बंद करके करिए। आप किसी बिंदु को देखते हुए अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आंखों को बंद करके अपने माथे के बीचों बीच देखकर महसूस करके मेडिटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन कब करना है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, ताकि दोस्तों इस वीडियो की जानकारी और लोगों को मिल सके। और दोस्तों, मेडिटेशन कब करना उचित है इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्त इस तरह के जब भी कोई वीडियोज हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।